दोस्तों, हम सब ने अपनी अपनी लाइफ में इस तरीके का सीन तो देखा ही होगा। इस तरीके के सीन देखने में काफी सुंदर होते हैं, इसीलिए काफी सारी फिल्मों में या फिर गानों में इस तरीके का जो सीन है वह दिखाया जाता है। दोस्तों, इस तरीके का स्ट्रक्चर हिल पे बनाया जाता है और इसका नाम है टेरेसिंग। दोस्तों, टेरेसिंग एक सोयल कंजर्वेशन प्रैक्टिस है। तो दोस्तों, जान के सरप्राइज हो गए ना। तो दोस्तों, अब आपको यह भी जानने में इंटरेस्ट होगा कि टेरेसिंग किस तरीके से बनाया जाता है या फिर टेरेसिंग के जैसी जो भी दूसरी सोयल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस है वह किस तरीके से बनाई जाती है। टेरेसिंग के जैसी जितनी भी सोयल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस है वह सभी हिल की ढलान जिस भी डायरेक्शन में होती है उससे अक्रॉस डायरेक्शन में यानी कि लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में बनाई जाती है। दोस्तों, इससे क्या होता है, पानी का जो भी बहाव होगा वो कट जाता है और इसकी वजह से पानी की वेलोसिटी भी कम हो जाती है और हिली एरिया में हमारी जो भी सॉइल होती है उसका इरोजन अब नहीं होता है। दोस्तों, आप सबको अब यह भी जानने में इंटरेस्ट होगा टेरेसिंग और टेरेसिंग के जैसे जो भी सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स है वह आखिर कंस्ट्रक्ट किस तरीके से होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको एक पॉइंट के बारे में समझना पड़ेगा और वह है कंट्रोल लाइन, क्योंकि दोस्तों यह सभी जो सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स है वे सब कंट्रोल लाइन पे ही बनते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो है वो कंट्रोल लाइन के बारे में होने वाला है। कंट्रोल लाइन क्या है, ये सभी स्ट्रक्चर कंट्रोल लाइन पे क्यों बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, कंट्रोल लाइन की लाक्षणिकताएं क्या है, और अगर हमको ये टेरेसिंग के जैसी कोई भी सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस हिल पे करनी हो तो उसके लिए कोई भी हिल पे अगर हम कंट्रोल लाइन बनाना चाहे तो कंट्रोल लाइन किस तरीके से बनती है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं जयपाल सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि विद्या में। तो बिना किसी देरी के करते हैं आज का टेक्निकल सेशन शुरू। तो दोस्तों, कंट्रोल क्रॉपिंग, कंट्रोल बंडिंग, कंट्रोल टेरेसिंग जैसी जितनी भी सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस है वह हम कंट्रोल लाइन पे ही करते हैं और कंट्रोल लाइन हमेशा अक्रॉस द स्लोप होती है। दोस्तों, जब भी बारिश होती है तो बारिश का जो भी पानी है स्लोप की डायरेक्शन में बहना चालू हो जाता है। इसकी वजह से सॉइल का स्काउरिंग होता है और इरोजन स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आप जो भी रेड कलर लाइन्स देख रहे हो वह सब कंट्रोल लाइन्स है। इरोजन को रोकने के लिए हम कंट्रोल लाइन पे क्रॉप लगाते हैं। तो दोस्तों, कंट्रोल लाइन पे क्रॉपिंग करने की वजह से जब भी अब बारिश का पानी स्लोप की डायरेक्शन में बहना चालू करेगा तब पानी की वेलोसिटी डाउन होती जाएगी और उसकी स्काउरिंग कैपेसिटी भी कम होती जाएगी। तो इस तरीके से हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। दोस्तों, कंट्रोल लाइन क्या है वह हम आगे डिटेल्स में देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, फील्ड का स्लोप इस डायरेक्शन में है। जब भी बारिश होगी तो पानी स्लोप की डायरेक्शन में बहना चालू कर देगा। वहां पे सॉइल इरोजन ना हो इसकी वजह से आप देख पा रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे कंट्रोल बंड बनाया है और यह कंट्रोल बंड ऑलवेज कंट्रोल लाइन पे ही बनाया जाता है। तो हमारी ये जो लाइन है वह हमारी कंट्रोल लाइन बोली जाएगी। दोस्तों, यह टेरेसिंग भी हम कंट्रोल लाइन पे ही बनाते हैं। तो दोस्तों, आप जो ये रेड लाइन देख रहे हो वह सब कंट्रोल लाइन्स है। दोस्तों, कंट्रोल लाइन अक्रॉस द स्लोप बनाई जाती है। आप यहाँ पे देख रहे हो ग्राउंड का स्लोप जो है वह इस डायरेक्शन में है और हमारी कंट्रोल लाइन है वो उसके परपेंडिकुलर है, जिससे पानी जो है वह इस डायरेक्शन में बहेगा और हमारा क्रॉप है वह कंट्रोल लाइन की डायरेक्शन में लगेगा। इसकी वजह से पानी की स्कवरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है और सॉइल इरोजन भी नहीं होता है। दोस्तों, आपके सामने जो भी इमेज आप देख पा रहे हो उसमें कंट्रोल ट्रेंचेस दिखाई गई है। दोस्तों, कंट्रोल ट्रेंचेस भी कंट्रोल लाइन पे ही बनाई जाती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये सब कंट्रोल लाइन्स है, सभी कंट्रोल लाइन्स अक्रॉस द स्लोप होती है। दोस्तों, यहाँ पे आप रेड लाइन जो भी देख रहे हो वह कंट्रोल लाइन्स है और हमारी जो कंट्रोल ट्रेंचेस होगी वह भी अक्रॉस द स्लोप बनाई जाएगी। इसकी वजह से जब भी बारिश का पानी स्लोप की डायरेक्शन में फ्लो करेगा तब उसकी वेलोसिटी बहुत ही कम होती जाएगी, वह पानी ट्रेंचेस के अंदर ट्रैप होता जाएगा। ट्रेंचेस के अंदर का पानी धीरे धीरे नीचे परकोलेट होता जाएगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी बढ़ेगा, साथों साथ हमारा सॉइल का इरोजन भी कम होता जाएगा। वाटर की वेलोसिटी हमने कम कर दी, इसकी वजह से हमारा जो सॉइल का इरोजन भी हो रहा था वह भी अब कम हो जाएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र रीजन में काफी सारी वाटरशेड ट्रीटमेंट हुई है और उसमें यह कंट्रोल ट्रेंचेस बनाई जाती है जिससे सॉइल का इरोजन नहीं होता और ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी बढ़ता है। दोस्तों, हमने देखा कि अलग अलग तरीके के जो भी सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स कंट्रोल लाइन पे ही बनते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये कंट्रोल लाइन है क्या और ये बनाते कैसे। दोस्तों, आपके सामने जो भी इमेज शो हो रही है वहां पे आप देख पा रहे हो कि एक हिल है। दोस्तों, आपके सामने जो भी हिल है वह टू डायमेंशन में है पर आपको थ्री डायमेंशन में हिल को इमेजिन करना है। अगर हम हिल को थ्री डायमेंशन में इमेजिन करते हैं तो दोस्तों हिल की जो भी पेरिफेरी होगी वहां पे हम कंट्रोल लाइन बना सकते हैं। हम मान लेते हैं कि बॉटम ऑफ द हिल जो होता है उसका एलिवेशन 0 मीटर है और बॉटम ऑफ द हिल से
अगर हम एग्जैक्टली 10 मीटर वर्टिकल हाइट पे जाए और अपनी जो 3 डायमेंशन वाली हिल है उसकी पेरिफेरी पे अगर हम अलग अलग जगह पे 10 मीटर वर्टिकल हाइट पे जितने भी पॉइंट हमको मिलते हैं वो पॉइंट हम डिमार्क करें, इस तरीके से हमको 10 मीटर वर्टिकल हाइट पे हिल की पेरिफेरी पे अलग अलग जगह पे इस तरीके से हमको पॉइंट मिलेंगे। दोस्तों ये सभी पॉइंट की जो भी हाइट होगी बॉटम ऑफ द हिल से वो होगी 10 मीटर। दोस्तों अगर हम ये सभी 10 मीटर हाइट वाले जितने भी पॉइंट है उसको हम एक दूसरे के साथ इस तरीके से जोड़ देते हैं, इस तरीके से लाइन मिलती है दोस्तों, तो दोस्तों उस लाइन को हम बोल लेंगे कंट्रोल लाइन। दोस्तों इसी तरीके से अगर हम बॉटम ऑफ द हिल से 10 मीटर की बजाय अगर हम 20 मीटर की हाइट पे हिल की पेरिफेरी पे 3 डायमेंशन में जितने भी पॉइंट हमको मिलते हैं जिसकी वर्टिकल हाइट 20 मीटर ही हो उसको अगर हम एक दूसरे के साथ इस तरीके से जोड़े तो दोस्तों इस तरीके से हमको जो भी लाइन मिलती है उसको भी हम बोलेंगे कंट्रोल लाइन। दोस्तों यह दोनों लाइन कंट्रोल लाइन ही है और दोनों का एलिवेशन अलग अलग, जो भी लाइन हमने पहले ड्रॉ की वह कंट्रोल लाइन का जो एलिवेशन होगा वह बोला जाएगा 10 मीटर और जो भी कंट्रोल लाइन हमने 20 मीटर वर्टिकल हाइट वाले पॉइंट को मिला के ड्रॉ की है वह कंट्रोल लाइन का एलिवेशन होगा 20 मीटर। दोस्तों इसी तरीके से हम 30 मीटर 40 मीटर 50 मीटर वर्टिकल हाइट के लिए अलग अलग पॉइंट्स को मिला के कंट्रोल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों आपको यह याद रखना है कि दोस्तों आप अपने सामने जो भी कंट्रोल लाइंस देख रहे हो वह 2 डायमेंशन में देख, और हिल जो है वह रियलिटी में तो 3D में होती है, तो हिल जो भी चारों तरफ पेरिफेरी होगी दोस्तों वहां पे ये कंट्रोल लाइन एक्सटेंड करेगी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं 50 मीटर वाली कंट्रोल लाइन के बारे में, पर्टिकुलरली 50 मीटर वाली कंट्रोल लाइन के ऊपर हिल के चारों तरफ जितने भी पॉइंट है वह सभी पॉइंट्स का जो भी एलिवेशन होगा वह 50 मीटर ही होगा। दोस्तों आपको यह चीज याद रखनी है कि आपके सामने अभी जो भी इमेज आप देख पा रहे हो जिसमें कंट्रोल लाइन हमने ड्रॉ की है 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर और 50 मीटर के लिए हमने अलग अलग 5 कंट्रोल लाइन ड्रॉ की है, वह सभी कंट्रोल लाइन 3 डायमेंशन में इस तरीके से हिल की पूरी पेरिफेरी को करती है। दोस्तों अगर हम बात करें 10 मीटर एलिवेशन वाली कंट्रोल लाइन के बारे में तो उसके ऊपर जितने भी नंबर्स ऑफ पॉइंट होंगे वह सभी पॉइंट का एलिवेशन जो होगा वह सेम ही होगा, यानी कि 10 मीटर ही होगा। अगर हम बात करें 20 मीटर वाली कंट्रोल लाइन के बारे में तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे हिल के चारों तरफ वह सभी पॉइंट का जो एलिवेशन होगा वह होगा 20 मीटर। दोस्तों अगर हम बात करें 30 मीटर एलिवेशन वाली कंट्रोल लाइन के बारे में तो उसके ऊपर जितने भी नंबर्स ऑफ पॉइंट्स होंगे उसका एलिवेशन होगा 30 मीटर। दोस्तों अगर हम बात करें 40 मीटर वाली कंट्रोल लाइन के बारे में तो उसके ऊपर हिल के चारों तरफ पेरिफेरी पे जितने भी नंबर्स ऑफ पॉइंट्स होंगे वह सभी पॉइंट का एलिवेशन होगा 40 मीटर। और 50 मीटर वाली कंट्रोल लाइन के ऊपर हिल के पेरिफेरी पे चारों तरफ जितने भी नंबर्स ऑफ पॉइंट्स होंगे वह सभी पॉइंट्स का एलिवेशन होगा 50 मीटर। यानी कि कंट्रोल लाइन का जो भी एलिवेशन होता है वही एलिवेशन सभी पॉइंट्स का होता है, यानी कि कंट्रोल लाइन एक ऐसी लाइन है जो इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट्स को या फिर इक्वल हाइट वाले पॉइंट्स या फिर इक्वल रिड्यूस लेवल वाले पॉइंट्स को मिला के बनाई जाती है। कॉनिकल शेप का यानी कि शंकु आकार का अगर हमारा हिल है तो उस हिल की कंट्रोल लाइन हम 2 डायमेंशन में किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और वह कैसी दिखती है वह हम देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने जो भी आप इमेज देख पा रहे हो वहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एग्जैक्टली कॉनिकल शेप का हिल है, यानी कि शंकु आकार का हिल है। बॉटम ऑफ द हिल को अगर हम 0 मीटर माने तो दोस्तों एग्जैक्टली वर्टिकल 10 मीटर हाइट पे कॉनिकल हिल की जो भी पेरिफेरी है उसके ऊपर हमको जितने भी पॉइंट एग्जैक्टली 10 मीटर वर्टिकल हाइट वाले मिलते हैं उसको अगर हम जोड़े तो जो भी हमको लाइन मिलेगी वह कंट्रोल लाइन बनेगी और उसका एलिवेशन होगा 10 मीटर। इसी तरह से हम 20 मीटर 30 मीटर और 40 मीटर वाली कंट्रोल लाइन एग्जैक्टली कॉनिकल शेप पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम हिल के टॉप से इस तरीके से नीचे की डायरेक्शन में अगर हम देखें यह सभी पॉइंट को हम ऑब्जर्व करें तो हमको 0 मीटर 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर और 40 मीटर वाली जो कंट्रोल लाइन है वह कुछ इस शेप में दिखेगी और यह सभी कंट्रोल लाइन एग्जैक्टली सर्क्यूलर होगी इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि जब भी हम कॉनिकल हिल की जो टॉप होती है वहां से नीचे की ओर देखे कि जहां पे हमने 0 मीटर 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर और 40 मीटर वाली कंट्रोल लाइन बनाई है उसको ऑब्जर्व करें तो हमको एग्जैक्टली इस तरीके की सर्कुलर शेप में कंट्रोल लाइंस मिलेगी जिसका एलिवेशन 0 मीटर 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर और 40 मीटर रहेगा। दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा जो हिल था वह एग्जैक्टली कॉनिकल शेप का था, इसी वजह से हमको यहाँ पे जो भी कंट्रोल लाइन मिली है वह सभी कंट्रोल लाइन एग्जैक्टली सर्कुलर है। बट रियल लाइफ में तो दोस्तों हमारा जो हिल होगा वह एग्जैक्टली कॉनिकल कभी नहीं होगा, उसका शेप तो अनइवन रहेगा, इरेगुलर रहेगा। इसकी वजह से हमको जो भी कंट्रोल लाइन रियल लाइफ में दोस्तों मिलेगी वह कभी सर्कुलर नहीं होगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि रियल लाइफ में हम जब हिल पे कंट्रोल लाइन बनाते हैं ड्रॉ करते हैं
तो उसकी कंट्रोल लाइन जब हम पेपर शीट पे ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें वह किस तरीके की मिलती है। दोस्तों अगर हम यह 3D व्यू वाली जो भी कंट्रोल लाइन है उसको 2D में पेपर शीट पे किस तरीके से दिखेगी उसको समझना चाहे तो अगर हम ये वाले पोर्शन से जो भी हिल की जो टॉप पोर्शन है वहां से अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड साइड में हम देखेंगे तो हमको इस तरीके के शेप में कंट्रोल लाइंस पेपर शीट में मिल सकती है। दोस्तों कंट्रोल लाइन पे जो भी पॉइंट्स होते हैं वह सभी पॉइंट्स के बीच का जो भी एलिवेशन निकालने के लिए हम हाइड्रो मार्कर का यूज करते हैं। यह हाइड्रो मार्कर के बारे में हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिटेल में चर्चा की है कि इसकी मदद से हम वर्टिकल इंटरवल किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है कि हाइड्रो मार्कर किस तरीके से काम करता है, दो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का एलिवेशन किस तरीके से निकालते हैं यानी कि वर्टिकल इंटरवल किस तरीके से निकालते हैं वह अगर समझना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके यह इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो दोस्तों हमने समझ लिया कि कंट्रोल लाइन क्या है, उसको हिल पे किस तरीके से बनाया जाता है, उसको पेपर शीट पे अगर हम देखना चाहे तो किस तरीके से देख सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कंट्रोल इंटरवल क्या होता है। आपके सामने एक हिल है, हिल का जो भी बॉटम है दोस्तों उसको हम 0 मीटर रेफरेंस मान के चलते हैं। एग्जैक्टली 10 मीटर वर्टिकल हाइट पे हमने 10 मीटर एलिवेशन वाली कंट्रोल लाइन बनाई है। इसी तरीके से उसके 10 मीटर बाद 20 मीटर वाली कंट्रोल लाइन बनाई है, उसके 10 मीटर बाद 30, फिर 40, 50 और इसी तरीके से 60 मीटर वाली भी कंट्रोल लाइन हमने बनाई है। एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं 60 मीटर एलिवेशन वाली जो भी कंट्रोल लाइन है दोस्तों वहां पे हमने जो भी एक पॉइंट हम डिमार्क करते हैं और 50 मीटर एलिवेशन वाली जो भी कंट्रोल लाइन है दोस्तों वहां पे भी हम एक पॉइंट लेते हैं। दोनों पॉइंट के बीच का हम अगर वर्टिकल डिस्टेंस निकाले वह होगा 10 मीटर। उसी तरीके से 50 मीटर और 40 मीटर एलिवेशन वाली जो भी कंट्रोल लाइन है उसका भी हम अगर डिस्टेंस निकाले तो वह होगा 10 मीटर। दोस्तों 40 मीटर और 30 मीटर वाली जो भी कंट्रोल लाइन है उस दोनों के बीच के जो भी पॉइंट है उसके बीच का जो भी अगर मैं हम वर्टिकल डिस्टेंस निकाले तो वो भी होगा 10 मीटर। दोस्तों इसी तरीके से 0 से लेके 10 मीटर, 10 से लेके 20 मीटर, 20 से लेके 30 मीटर, 30 से लेके 40 मीटर, 40 से लेके 50 मीटर और 50 से लेके 60 मीटर तक जितनी भी कंट्रोल लाइंस है वो सभी कंट्रोल लाइंस के बीच का कंट्रोल इंटरवल कॉमन ही रहेगा और वो होगा 10 मीटर। अब हम यह समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या है। आपके सामने एक इमेज है जिसमें आप देख पा रहे हो दोस्तों कि एक हिल है जिसके बॉटम की एलिवेशन को हम 0 मीटर मान के चले तो बॉटम ऑफ द हिल से लेके एग्जैक्टली वर्टिकल 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर और 60 मीटर हाइट पे हम अलग अलग कंट्रोल लाइन बना सकते हैं। यह सभी कंट्रोल लाइन के बीच का जो भी कंट्रोल इंटरवल होगा वह सेम ही होगा और वह होगा 10 मीटर। तो यह केस में हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या हो सकता है यह समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों 60 मीटर कंट्रोल के ऊपर दो पॉइंट है, यहाँ पे आप दो पॉइंट देख पा रहे हो। दोस्तों मैं दोनों पॉइंट को पॉइंट ए और पॉइंट बी बोलता हूँ। उसी तरीके से 50 मीटर कंट्रोल जो भी है उसके ऊपर भी दो पॉइंट आप देख पा रहे हो दोस्तों, वहां पे मैं एक को बोलता हूँ पॉइंट सी और दूसरे को बोलता हूँ पॉइंट डी। दोस्तों वर्टिकल डिस्टेंस पॉइंट ए एंड पॉइंट सी तो आपको पता है कि वह है 10 मीटर और दोस्तों पॉइंट सी और पॉइंट ए के बीच का इस तरीके से जो भी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। मान लो पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 5 मीटर तो दोस्तों पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच का जो भी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनेगा एग्जांपल के तौर पे हम यह डिस्टेंस 8 मीटर बोलते हैं। तो दोस्तों समझ सकते हो आप कि हर एक केस में हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट अलग अलग आता है जबकि हमारा कंट्रोल इंटरवल हर एक कंट्रोल के केस में सेम ही आता था, बट हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट वो हर एक केस में डिफरेंट आता है यानी कि वो वेरिएबल है। दोस्तों इसी तरीके से 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर वाली जो भी कंट्रोल लाइन है वह सभी कंट्रोल लाइन लिए हम जब भी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वह डिफरेंट डिफरेंट ही आएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कंट्रोल लाइन के बारे में, कंट्रोल लाइन की लाक्षणिकता क्या है यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। दोस्तों आपके सामने जो भी इमेज है वहां पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3D व्यू ऑफ हिल है। दोस्तों मैप में जो भी कंट्रोल लाइन ड्रॉ की गई है उसके यह पोर्शन में जो भी कंट्रोल लाइन आपको दिख रही है दोस्तों वह कंट्रोल लाइन एक दूसरे से काफी दूर है। इसका मतलब है कि वहां पे जो भी हिल होगी उसका स्लोप जेंटल होगा यानी कि कम होगा। यहाँ पे आप दोस्तों दूसरा एक पोर्शन देख रहे हो जहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों कि कंट्रोल लाइन एक दूसरे के बहुत ही पास है, नजदीक है। इसका मतलब यह है कि रियल लाइफ में वहां पे जो भी हिल होगी कि जिसकी हमको कंट्रोल लाइन इस तरह मिली है उसका जो स्लोप होगा वह काफी स्टीपर होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि जो कंट्रोल लाइन एक दूसरे से बहुत ही दूर थी तो वो कंट्रोल लाइन ये पोर्शन की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्लोप है
वो बहुत ही जेंटल है। बिना फील्ड पे गए मैप में से ही पता लगा सकते हैं दोस्तों कि हमारी कंट्रोल लाइन की मदद से हम पता लगा सकते हैं दोस्तों कि वहां पे लैंड का स्लोप स्टीपर होगा या जेंटल होगा। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो कि जो भी बॉटम ऑफ द हिल है वहां पे जो भी हमको रीडिंग मिल रहा है वो है 2000 मीटर, और जैसे जैसे हम हिल की ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं दोस्तों तो वो डायरेक्शन में हमको जो भी रीडिंग मिलते हैं वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम ऑब्जर्व करें कि जो आउटर मोस्ट कंटूर है मतलब कि जो बाहर वाली कंटूर है उसका अगर रीडिंग सबसे कम है और जो भी अंदर वाली कंटूर है यानी कि इनर मोस्ट कंटूर कि जिसका जो भी रीडिंग होगा वो सबसे ज्यादा होगा यानी कि जिसका एलिवेशन हो ज्यादा है, तो दोस्तों इस तरह की कंटूर हमें ये बता रही है कि वहां पे हिल होगा। तो दोस्तों आपके सामने जो भी इमेज शो हो रही है वहां पे आप देख सकते हो कि तो पॉइंट कंट्रोल लाइन अगर हम ड्रॉ करें मैप पे तो वो किस तरीके से बनेगी। जो भी कंट्रोल लाइन हमने कंट्रोल मैप पे ड्रॉ की है उसका आउटर मोस्ट जो भी कंट्रोल है उसका अगर रीडिंग सबसे ज्यादा है और जो भी इनर मोस्ट कंट्रोल है उसका अगर रीडिंग यानी कि एलिवेशन सबसे कम है, तो दोस्तों इस तरीके की जो भी कंट्रोल लाइन हमको मिलेगी कि जिसमें इनर मोस्ट कंट्रोल से आउटर मोस्ट कंट्रोल की तरफ हम जब जाते हैं जो भी एलिवेशन की रीडिंग है वो इंक्रीज होते रहते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे पास कोई भी खाली ओनली कंट्रोल मैप भी है और उसमें ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है तो हम बिना पर्टिकुलर लोकेशन पे गए ही पता लगा सकते हैं कि वहां पे पॉन्ड होगा या लेक या फिर डिप्रेशन होगा। दोस्तों आपके सामने अभी जो भी इमेज शो हो रही है वहां पे आप देख सकते हो दोस्तों कोई इस तरीके की शेप की हिल है, और जो कोई भी हिल का शेप इस तरीके का होता है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल क्लिप। दोस्तों वर्टिकल क्लिप की अगर हम कंट्रोल लाइन ड्रॉ करना चाहे मैप पे तो वो हमको कुछ इस तरीके की दिखती है। इसमें भी हम अगर यह पोर्शन की बात करें तो यह पोर्शन की जो कंट्रोल लाइन होगी वो हमें वो इस तरीके से मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि सभी कंट्रोल लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पे हमें मिल रही है। दोस्तों अगर हमारे मैप में जो भी कंट्रोल लाइन ड्रॉ की गई है वो कुछ इस तरीके की हमको मिलती है तो हम पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर लोकेशन पे एक्चुअल रियल लाइफ में वर्टिकल क्लिफ होगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक हिल है जिसका शेप कुछ इस तरीके का है। अगर हिल का शेप कुछ इस तरीके का होता है तो हम उस प्रकार के हिल को हम बोलेंगे ओवरहैंगिंग क्लिफ। तो दोस्तों अगर हम यह पोर्शन की कंट्रोल लाइन ड्रॉ करें तो दोस्तों यह पोर्शन की कंट्रोल लाइन हमको कुछ इस तरीके से मिलेगी। ये वाले पोर्शन में आप देख सकते हो दोस्तों कि जो कंट्रोल लाइन है वह एक दूसरे के साथ क्रॉस हो रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनरली कंट्रोल लाइन एक दूसरे के साथ कभी क्रॉस नहीं होती, बट तो अगर आपके पास कोई मैप है और उसमें कंट्रोल लाइन ड्रॉ की गई है और वो कंट्रोल लाइन कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ क्रॉस हो रही है, दोस्तों बिना लोकेशन पे गए हम यह समझ सकते हैं कि यह कंट्रोल लाइन ओवरहैंगिंग क्लिफ की होगी। दोस्तों ओवरहैंगिंग क्लिफ के जो केस है उसमें ही कंट्रोल लाइन एक दूसरे के साथ क्रॉस होती है, अदरवाइज कंट्रोल लाइन एक दूसरे के साथ कभी क्रॉस नहीं होती। दोस्तों आपके सामने जो भी इमेज है वहां पे आप देख सकते हो दो हिल है और वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों अगर ये दो हिल की हम कंट्रोल लाइन बनाना चाहे तो वह कंट्रोल मैप हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा। हिल है वो जहां पे भी ज्वाइंट हो रही है उस पर्टिकुलर पोर्शन में हमको कंट्रोल लाइन कुछ इस तरीके की मिलेगी। तो दोस्तों हमारे पास कोई भी कंट्रोल मैप है और उसपे जो भी कंट्रोल लाइन है वो कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देती है तो हम वह कंट्रोल लाइन देख के ही यानी कि वह कंट्रोल मैप देख के ही यह बोल सकते हैं कि वह लोकेशन पे एडजेसेंट हिल होगी। तो दोस्तों कंट्रोल लाइन बनाने का यही फायदा है कि हम कंट्रोल मैप देख के ही पर्टिकुलर लोकेशन का अंदाज ले सकते हैं कि वहां पे स्लोप किस तरीके का होगा, वहां पे हिल का शेप किस तरीके का होगा, और अंदाज लगा सकते हैं कि वहां पे हिल होगी या फिर डिप्रेशन होगा। हिल है तो वर्टिकल क्लिफ टाइप का है, ओवरहैंगिंग क्लिफ टाइप का है, एडजेसेंट हिल है या फिर नॉर्मल हिल है। तो दोस्तों आज हमने देखा कोई भी सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर हमको हिल पे बनाना है तो हमको यह जानना जरूरी है कि कंट्रोल लाइन क्या है, क्योंकि यह सभी सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर कंट्रोल लाइन पे ही बनते हैं। तो दोस्तों मैंने कंट्रोल लाइन क्या है, कंट्रोल इंटरवल क्या है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या है, कंट्रोल लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि लाक्षणिकताएं क्या क्या है, यह सभी चीजें आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है। फिर भी आपको कहीं पे भी डाउट है, क्वेरी है या फिर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप कृपया उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दोस्तों कृषि विद्या फैमिली आपको श्योर रिस्पॉन्स देगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपका यह सपोर्ट हमको अच्छे से और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम आपके लिए ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, नमस्ते।